नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता परीक्षा मराठी में। सफलता परीक्षा मराठी चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों के सामने नई वीडियो लेकर हाजिर है। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज आपको बताएं कि आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आए हैं ये लेकर आए हैं हिंदी में समास को लेकर। जो समास होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, समास हिंदी में समास कितने होते हैं, यानी कि किस समास के पीछे क्या यूज होता है उसके बारे में बताएंगे। उसके लिए हम आपको सिंपल सी ट्रिक्स बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है, आप यहां पर देखेंगे यहां पर समास होते हैं, यहां पर समास प्रकार लगेंगे और वो कब किसके लिए यूज होते हैं उसके लिए। जैसे देखिए कर्ता, कर्ता के साथ क्या होगा, कर्ता ने, ठीक है, नेक प्रयोग होगा कर्ता के साथ। कर्म, कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म के साथ होगा को का प्रयोग। कर्ता ने कर्म को करण, करण का प्रयोग होगा से, करण के साथ प्रयोग होगा से का। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान, संप्रदान के लिए प्रयोग होगा, संप्रदान के लिए, के लिए प्रयोग होगा, संप्रदान के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, अपादान का प्रयोग होगा, अपादान से जुदाई, से जुदाई। अपादान से जुदाई संबंध का के की, का के की, अधिकरण, अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे ओ। तो देखिए आपको देते हैं, देखिए जो हिंदी में जो समास होते हैं उसमें जो कर्ता समास होगा उसमें ने का प्रयोग होगा, कर्म में को का प्रयोग होगा, करण के लिए से का प्रयोग होगा, संप्रदान के लिए होगा, अपादान से जुदा यानी कि जुड़ने वाले किसी में अपादान कारक होगा, संबंध का प्रयोग होगा का के की में, अधिकरण का प्रयोग होगा जहां पर में पे पर का प्रयोग होगा, और संबोधन का प्रयोग होगा हे अरे ओ, यानी कि वो संबोधन करेगा हे राम मुझे बचा लो। तो उसमें कौन सा समास का प्रयोग होगा, वहां पर संबोधन समास का प्रयोग होगा। और जेकी देखिए राम ने सेब खाया, तो यहां पर राम ने आया है तो कोशा होगा उसमें समास, वहां पर समास होगा कर्ता समास। तो मेरे पहले व्यूवर्स, हमने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया है हर एक इसको, आप ऐसी बात कर सकते हैं जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे ओ। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही हम ट्रिक वगैरह आपको लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।